चोला टेम्पल्स को लेकर के, ठीक है ना। हम चलेंगे यहां से आगे, ये 16वें नंबर पे ना। अच्छा नानक में क्या था सर, 16वें नंबर पे आपका 16 पे चोला हमने ऐसे कर लिया था, 15 पे लिफ्ट इन वहां पे कर लिया था हमने एलिफेंटा केव्स, 14 पे मोटिन पट्टडकल वाला, ठीक है ना। उसके बाद में 13 पे थर्स्टिन फतेहपुर सीकरी उल्टा लेके चलो, 12 पे टावल हम्पी, हम्पी हो गए उससे पहले टावल लगा लो यानी हम्पी, 11 पे लेमन खजूर और लेमन, ठीक है ना खजुराहो, ठीक है ना। 76 पढ़ेंगे उससे क्या हो गया आपका, 76 ज्यादा खोजाओगे तो बंदरिया खंदरिया वो वहीं पे आपके खजुराहो वैली में, ठीक है ना। ओके 10 पे पेन सर गोवा के आपके क्या है आपके चर्चेस एंड कॉन्वेंट। उसके बाद में आपका 9 पे भाई केवलादेव नेशनल पार्क आपका कहा है भरतपुर में, ठीक है ना राजस्थान। उसके बाद में 8 पे प्लेट मानस आसाम में है, ठीक है नहीं। 7 पे हेवन क्या आपका काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंगाले गेंडे के लिए, सर मानस किसके लिए गोल्डन लंगूर एक सिंगाले गेंडे टाइगर बहुत सारी चीजों के लिए, 7 हो गया, ठीक है ना। 6 पे आपका विक्स बोले तो मावलिंपुरम, ये आपके किसने बनवाया था आपने पल्लवों ने बनवाई, पल्लव में कौन नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ठीक है ना उसको मामल्ला भी बोलते हैं इसको, ठीक है ओके पहलवान था ना ये। 5 पर हाइव बोले तो आपका कोणार्क, कोणार्क सन टेम्पल आपका, और कोणार्क वाला सन टेम्पल कौन सी नोट के पीछे 10 पे टेंशन बोलते हैं ना, ठीक है ओके। और 4 पे आपका डोर बोले तो दरवाजा किसका ताजमहल का, ठीक है ताजमहल था पेट्रा डूरा टेक्निक, यहाँ पे हमने बात करी थी पहली बार इसका यूज किया गया था पेट्रा डूरा का कहाँ पे एतमाद दौला का मकबरा, ये सब चीजें हमने करी थी। फिर उसके बाद में हम पहुंच गए 3 पे क्या आगरा का किला, ठीक है ना यहीं पे आपकी मोती मस्जिद है जो शाहजहां ने बनवाई, और यहीं पे आपका मुसम्मन बुर्ज शीश महल, ठीक है ना बहुत सारी चीजें। फिर हम पहुंचे आपके कहाँ पे 2 पे, 2 पे सू आपका एलोरा, एलोरा केव्स आपके कहाँ है औरंगाबाद कहे या संभाजी नगर कहे आधुनिक समय में वहां पे है, सारी ये चीजें होगी हमारी। और कुछ और पहले पे आपकी अजंता, ठीक है अच्छा जो दूसरे अजंता हो गए, अजंता की जो गुफाएं हैं 29 गुफाएं हैं, कई जगह पे 30 भी देखने को मिलता है 29 30। अच्छा एग्जामिनर फंसेगा नहीं क्योंकि दोनों ही माने जाते हैं तो कोई एक ही ऑप्शन देगा तो आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। ये बुद्धिस्ट केव्स है पहली वाली, और इसको कहते हैं एशिया में चित्रकला की जननी मानी जाती है, कौन सी अजंता गुफाएं कौन सी वाली, एलोरा में आपका 3 धर्मों से जुड़ी हुई है, कौन सी आपकी सबसे नीचे लेके चलेंगे बौद्ध फिर हिंदू फिर जैन ऊपर नहीं, ठीक है ना कैसे एलोरा की गुफाएं कहा है ऐसे करके, और यहाँ पर नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपकी कितनी है आपकी बौद्ध वाली कितनी है 12, और आपकी कितनी आपकी 17 किस किन के हिंदू वाले, उसके बाद में आप देखोगे तो 5 बच गए किन की जैन के, ये क्रम भी है, ठीक है ये क्रम है आपका, ठीक है तो ये हो गया आपका। अब आप चलते हैं आपका 17 नंबर पे, तो 17 नंबर पे सर कहानी है किसकी सेठिन की, सेठानी की, सेठानी को लेके चल रहे हैं आपका कहां से, यहां से लेके चलेंगे आपको सुंदरवन की ओर। ये तो पुराना था तुम्हारा ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, ये सारे हो गए थे हमारे। अब आपको लेके चल रहे कहां से, यहां से चोला टेम्पल से लेके चलेंगे यहाँ पे सुंदरवन के डेल्टा की ओर, कहां पे लेके चलेंगे सर यहाँ से आपका बांग्लादेश शुरू होता है उसके वाले में नहीं, ये हमारा जो है ना नेशनल पार्क हमारे वाले हिस्से में, सुंदरवन के डेल्टा की बात करेंगे। ये जो है ना आपका दुनिया का सबसे बड़ा आपका क्या है आपका डेल्टा भी है, एक बात जानते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना ये डेल्टा भारत में कम है सर बांग्लादेश में ज्यादा है, क्या बात समझ पाए। सुंदरवन का डेल्टा का जो एरिया है ना सर भारत में कम पड़ता है आपके बांग्लादेश में ज्यादा पड़ता है, एक बात होगी यहाँ पे, ठीक है चलो। ये वाला एरिया जो दिख रहा है ना आपको यही है आपका, क्या आपका ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है इसको जो नेशनल पार्क हमने बना रखा है ना यही है आपका विश्व विरासत जिसकी हम चर्चा करेंगे अभी पढ़ेंगे। तो कहां से चूला से 17 पे चले, 70 पे सेठानी कहां सुंदरवन गई है, ठीक है ना। और लो जी ये कहां पे पड़ता है आपका, ये पश्चिम बंगाल का मैप है सर, ये दार्जिलिंग वाला इलाका आ जाता है सर आपका, ये पश्चिम बंगाल में ऊपर है दार्जिलिंग वाला इलाका यहाँ पे आ जाता है, और यहां से इस जगह पे आपका सुंदरवन नेशनल पार्क, ठीक है सर चलेगा। सुंदरवन नेशनल पार्क आपका एक विरासत स्थल के रूप में है और 1987 में है, तो कैसे लिंक करेंगे सर आपका 1987 में ना 1987 में, ठीक है ना ये डेट कैसे लिंक करेंगे,
17 नंबर का हमारा ये था विरासत स्थल, ठीक है ना। तो सेठानी सुंदरवन गई किसके लिए, सैताने के लिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, 87 जो भी है यार, वो 47 होता तो ठीक था, लेकिन 47 हो नहीं सकता, 87 होगा, क्योंकि तब तो प्रोग्राम ही सबमिट नहीं हुआ था, ठीक है ना। चलेगा, हमारा पहला शुरुआत 83 से हुई है, कैसी बात कर रहे हो आप, ठीक है ना। सुंदरबन नेशनल पार्क की बात होगी, ये कहां सर, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे इसके लिए बहुत सारी चीजें, नेशनल पार्क सुंदरबन डेल्टा ऑफ द गंगा, सुंदरबन का जो है ना पार्क कहां रहता है, सुंदरबन डेल्टा के अंदर है। वो सुंदरबन डेल्टा के बारे में बात करेंगे तो दो नदियों का डेल्टा है सर, कौन कौन सी है सर, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। इसके बारे में खास बात यह है सर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, सुंदरवन का नामकरण ही हुआ है सुंदरी वृक्षों की वजह से। कौन से वृक्ष सर, बोलो जल्दी से, सुंदरी वृक्ष, इसको इंग्लिश में मैंग्रोव्स बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इसीलिए इसको सुंदरवन का डेल्टा बोला जाता है। और सर यहाँ पे जो है ना वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव या जो सुंदरी वन है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा आपका पड़ता भी है, अपने आप में नायाब है, ठीक है। बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, बाकी चीजें भी है सर, इरावदी रिवर डॉल्फिन भी पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। और आपके गंगटिक के साथ साथ में गंगा डॉल्फिन भी पाई जाती है, इरावदी डॉल्फिन भी पाई जाती है, ठीक है। टाइगर के लिए तो आपका फेमस है ही है सर, ये है आपका रॉयल बेंगाल टाइगर, जो मेन आपका उसके लिए आपका कंजर्व किया भी गया। ये है आपका पिलर्स, देखोगा सैटेलाइट मैप है, रियल चीजें देखने को मिलेंगी। ये जो है ना आपका चलेगा, इसके बारे में बहुत सारी चीजें आगे देख लेते हैं। इसके बारे में बस एक लाइन काम की है कि मैक्सिमम पार्ट जो है ना डेल्टा का कहां पड़ता है सर, बांग्लादेश में पड़ता है, लाइज इन बांग्लादेश। इसके अलावा हमारे लिए काम की चीजें हैं सुंदरबन नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व भी है आपका, ठीक है ना, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। आप देखोगे जो हमने 18 करवाई थी उनमें से आपका आता है सुंदरबन, ठीक है नहीं। अरे अचानक मार्ग से कहां सीधे टपकते हो आप, अरे कहानी बताई थी ना एक सीक्वेंस में, कैसे बताई थी आपका, चले थे कहां आपसे कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क से लेकर के नंदा देवी, फिर ऐसे घूमते हुए पंचमढ़ी, और कहां पहुंचे आपके पन्ना, उधर आपका कक्ष, नीचे पहुंचोगे नीलगिरी, नीलगिरी के बाद में आपका केटी में क्या था, अगस्त्यमलाई, अगस्त्यमलाई के बाद में फिर मंदार, फिर उसके बाद में आपका कहां पहुंचोगे आंध्र प्रदेश में आपका शेषाचलम, फिर उसके बाद में आपका सिमलीपाल, अचानक मार्ग, फिर उधर पहुंचेंगे आपका कहां पे, अचानक मार अमरकंटक था, फिर उसके बाद में सुंदरवन, सीधे पहुंचेंगे कहां पे आपका इंडिया मैप में, कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद में सीधा मानस, मानस के बाद में नीचे नौकरेक मेघालय में, फिर उधर आपका दियांग दिबांग, फिर उसके बाद में उधर पहुंच जाएंगे डिब्रू सुखवा पहले है दियांग दिबांग उसमें अरुणाचल प्रदेश में, फिर वहां से सीधे नीचे पहुंच गए थे ग्रेट निकोबार नेशनल पार्क। सिंपल सी बात है, ये 18 हो गए, क्या हमारा सुंदरवन नेशनल पार्क है उसमें शामिल, एग्जैक्टली है सर, ठीक है ना। तो ये भी हमारी चीजें चल रही है सर, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं कहीं ना कहीं आपकी विरासत स्थल बन चुके हैं, तो ये डबल ट्रिपल आपकी तैयारी चल रही है। चलो और बात करते हैं सर, बहुत सारी चीजें इसमें और कम के हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये कब क्या बना वो लेना देना नहीं, हमें काम का बस इतना है कि ये जो है ना आपका क्या है, आपका विरासत स्थल बन गया है, बस उसको ध्यान रखना है। और विरासत स्थल कब बना सर, 87 में बना है, कब बना है 87 में, बस इतना ध्यान रखना, सन 87, ठीक है ना। ये है आपके मैंग्रोव, आपके क्या फॉरेस्ट, ये इस तरह की वनस्पति है सर, खारा पानी है सर, ठीक है ना। असल में बात करूं तो देखो सॉल्ट वाटर होता है एकदम से खारा नमकीन, ठीक है ना, एक होता है आपका फ्रेश वाटर, एक होता है ब्रेकवेस्ट, कौन सा वाला, ब्रेकवेस्ट वाटर। अब देखो न तो ये एकदम से समुद्र वाला पानी है, न एकदम से आपका नदी वाला पानी है, ये बीच का पानी है सर, एस्चुरी में पाया जाता है, ठीक है ना। एस्चुरी क्या होती है बाकी चीजों को बात करेंगे, या आपका जो इक्वेटोन होता है एक तरीके से मिलता है, ठीक है ना, जहाँ एस्चुरी में नहीं, जरूर नहीं, बात करेंगे कि आपका जहाँ पे आपका नदी का पानी और समुद्र का पानी मिल जाता है, तो एक न तो एकदम समुद्री नमकीन, न एकदम नदी जैसा, तो बीच के पानी में वहां आपकी वनस्पति आपकी पैदा होती है। ये हेलोफाइट है सर, कैसे है आपके हेलोफाइट, क्या होता है सर, ठीक है ना, ओके सर, तो आपके ठीक है ना खारी जगह में पे ही आपका, ठीक है ना, वो पाए हुआ हेलोफाइट है सर। ज़ेरोफाइट क्या होता है सर, जो रेगिस्तान में भी उग जाते हैं, ठीक है, ओके सर। अच्छा इसकी खासियत क्या है, ये हमारे जो है ना आपके तटों को आपका संरक्षित रखती है, ये आपका मैंग्रोव, इनकी जड़ें जो है ना आपका मिट्टी को जकड़ के रखती है, ठीक है। अच्छा इनकी चिंता का विषय क्यों है, इतनी अच्छी खासियत है तो लोग काट क्यों लेते हैं, उसके पीछे रीजन है, ऐसा माना जाता है इसकी जो लकड़ी है ना वो आग जो है ना मुश्किल से पकड़ती है, ये जलती नहीं है। अरे जलने को तो कुछ भी जल जाता है सर, वो वाली बात नहीं है, जिद पे मत अटना, ठीक है ना, कहोगे लोहा भी जल जाएगा, कुछ भी जल जाता है,
दहन कराऊं, वो तो बात अलग है कि उनकी टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए। मतलब ये है कि आसानी से आग नहीं पकड़ती, बहुत सारी लकड़ियां हैं जो ना तुरंत आग पकड़ लेंगी, ये बहुत मुश्किल आपका आग पकड़ती है। तो इसलिए लोग इसको स्मगल करते हैं इसके आपके फर्नीचर के चक्कर में, ठीक है। अच्छा, इरावदी रिवर आपकी यहाँ पे पड़ती है, आपकी कहाँ पे, आपका म्यांमार में, और ये इरावदी रिवर डॉल्फिन आपका यहाँ यहाँ येलो वाला इलाका दिख रहा है वहां पे। सर हमारे यहाँ पे भी है सर, यहाँ तक टच करती है ये जो जगह है, कहाँ है सर, कौन सी आपकी पश्चिम, ये जो उड़ीसा में एक जगह में क्या देखे गए आपका चिल्का लेक, कौन सी वाली, वहां तक आपका रेंज मारती है क्या आपकी, क्या इरावदी रिवर डॉल्फिन हमारे साइड में भी रहती है? आपका मन करेगा कि यार वो तो वहां ही होनी चाहिए, नहीं जी यहाँ तक भी आती है, ठीक है ना। ये रही आपकी इरावदी रिवर डॉल्फिन, इस तरीके से दिख रही है, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारी चीजें चिल्का लेक वगैरह में आती है, ये पूरी यहाँ पे है चिल्का लेक, उससे नीचे है ऐसे करके उड़ीसा में पड़ती है सर। यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी आपकी झील, भारत की सबसे बड़ी झील, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी बताओ जल्दी से, कौन सी, वुलर है चिल्का, जानबूझ के उंगली रखे, खारे पानी की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी झील सब भी आपकी चल गई, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड, ठीक है ना, गुड, चलो ये सब हो गया। सर हम बात करेंगे आपका, ये है आपकी इरावदी रिवर डॉल्फिन, ठीक है ना, ये आपकी इरावदी रिवर, ये रही, ये म्यांमार से आपका, म्यांमार की जीवन रेखा भी कह देते हैं। एक और आपकी है रिवर जिनको मेकोंग बोलते हैं, ऊपर नाम कुछ और है, ये इनमें बहुत सारे छोटे छोटे देशों में आप करके घूमती है, ठीक है, चलेगा आगे चलते हैं। आपका यहाँ पे आपके क्या मगरमच्छ भी खूब अच्छे खासे पाए जाते हैं, कहाँ पे बात कर रहे हैं हम सर, सुंदरवन में, ठीक है ना, आपके सोल्ट वाटर वाले भी पाए जाते हैं, मार्स कोकोडाइल भी पाए जाते हैं जो दलदल भूमि में रहते हैं, ठीक है ना, कीचड़ वीचड़ वाली। सर ये है आपका पेंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस, ठीक है ना, ये आपका नेशनल एनिमल भी है आपका, ठीक है ना, चलेगा। बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, अपने आप में नायाब है, ठीक है ना। सुंदरबन के बारे में हमने बात कर ली, यहाँ से हम लेके चलेंगे अब आपको कहाँ, 1880 हम नंदा देवी पे लेके चलेंगे, ठीक है ना। आ सोचो नंबर से लिंक करो, आपने एटीएम नंद को दे दिया तो कोई रूठेगा कि नहीं रूठेगा, जिसकी तुम नंद दो वो तो रूठ ही जाएंगी ना, एटीएम पूरा भाई का उधर तो रूठना लाजमी है कि नहीं, तो फिर क्या करोगे, उनको पूरी वैली फूलों की दोगे तब खुश करने के लिए, क्या करोगे, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है ना, तो दो चीज हो गई सर। तो ये जगह है कहां पे सर, उत्तराखंड में लेके गए आपको, सुंदरवन के बाद में उत्तराखंड में कहां पे लेके गए, एटीएम से ध्यान रखना, एटीएम किसको दिया था, नंद को दिया था, वहां से आपको याद रहेगा 18वें नंबर पर नंदा देवी, ठीक है ना। सन कौन सी बात करेंगे, ये है आपका सर, ठीक है ना, आगे चलिएगा आपका, देखते हैं आपका नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स, इसका पूरा नाम अब क्या है सर, नंदा देवी एंड वैली फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी एंड, अच्छा सन 1988 में नंदा देवी आपका जोड़ा गया, वैली ऑफ फ्लावर्स कब जुड़ा है हम उसके बारे में बात करेंगे। ये दिखाई दे रहा है, सबसे पहले बात करेंगे 18वें नंबर का हमारा विरासत स्थल कौन सा है सर, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, पूरा नाम क्या है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, फूलों की घाटी सर, इसीलिए एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, उत्तराखंड में पड़ती है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, कोई दिक्कत सही है ना, ये हो गया सर। 1988 की बात है, ये तब ये शामिल हुआ था, ये डेट भी याद रखना, जगह याद रखना, बाकी हो गया काम, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आता है, बट हम थोड़ा पढ़ ले रहे हैं जब पढ़ रहे हैं तो, ठीक है ना, उत्तराखंड में पड़ता है सर, हमने ये देख लिया। तो आप देखोगे टू प्रॉपर्टीज इन वेस्ट हिमालय, वेस्ट हिमालय में, हिमालय का कौन सा हिस्सा है सर, वेस्ट में तो पड़ता ही है ये सर, उत्तराखंड कहाँ पड़ता है, हिमालय के वेस्ट में पड़ता है ना, ईस्ट में थोड़े ना पड़ता है, ईस्ट हिमालय में तो ये नॉर्थ ईस्ट वाले, ठीक है ना। तो वेस्ट हिमालय में आपकी दो प्रॉपर्टी है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क एंड नंदा देवी नेशनल पार्क, दोनों आपके एक साथ में, ठीक है ना। सर आगे बात करेंगे अल्पाइन मीडोज, ये हो गया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे यहाँ पे ये पाए जाते हैं, जैसे आपका एशियाटिक, आपका क्या है, आपका कुछ और था ना, यहाँ पे ब्लैक बियर पाया जाता है, स्नो लेपर्ड भी पाया जाएगा, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, ठीक है ना, ब्राउन बियर है, भरल है, बहुत सारी चीजें, ओरिजिनल लिस्टेड 88 में आपका केवल नंदा देवी जुड़ा गया था, 2005 में वैली ऑफ फ्लावर जुड़ गया, अब सर एग्जाम में हो गया, सन 88 में क्या जुड़ा था सर, केवल नंदा देवी, फिर उसको मनाने के लिए वैली ऑफ फ्लावर किसको दी, 2005 में आपका वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है ना, बड़ी लड़ाई चली 88 से लेकर के 2005 तक, 88 और 12 आपके कितने हो गए, 2000 है ना, और 17 साल बाद आपका जुड़ा कौन, आपका वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है ना। अब विरासत स्थल कौन सा हो गया सर, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, ये हो गया सर। तो चलिएगा बात हमारी हो गई,
ये है सर आपका, कौन सा आपका? नंदा देवी। अब हम थोड़ी चोटियों के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, उससे पहले ये बताओ 17वें नंबर पे क्या था? सुंदरबन नेशनल पार्क। सर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। किस दुनिया का सबसे बड़ा आपका क्या है? डेल्टा तो है ही है, साथ साथ में आपका है? जो मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज्यादा भी है, ठीक है ना, बायोडायवर्सिटी भी है, और ये आपका वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, ये उसका हिस्सा भी है, ठीक है ना। अच्छा सर, हमने क्या बात करी थी? सुंदरबन ये आपके 18 हमारे वो कौन है, बायोस्फीयर रिजर्व, उनमें भी शामिल है, ठीक है ना। और क्या था सर? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, मैंग्रोव्स के लिए फेमस है, इरावदी रिवर डॉल्फिन, गंगटेक रिवर डॉल्फिन उनके लिए फेमस है, और बताओ और क्या था वहां पे? कब शामिल हुआ है सर? 87। कब आपका? 87, ठीक है, ये हो गया। और उसके अलावा कुछ आप जल्दी से करो, जल्दी यही काम का सर। अब चलते 18 वाले को हम कर ही रहे, चलो। तो ये आपका कौन सा? नंदा देवी वाला, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी आपका बनी गया। आपको पता हो हम जब शुरुआत करते हैं नंदा देवी आपका बायोस्फीयर रिजर्व है कि नहीं है, साथ साथ में बायोस्फीयर रिजर्व भी कवर कर रहे हैं। कोल्ड डेजर्ट वो नेशनल पार्क है कि नहीं, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी, उसके बाद में आपका क्या आ जाता है? नंदा देवी वाला, ठीक है ना, ये हो गया। तो आपका चमोली गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चमोली में पड़ता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स पूछा जाता है कई बार, फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। अरे फूल चमेली का भी तो होता है, चमेली से चमोली कर देना, खेलेगा फूल चमेली को। अरे ये तो गाना है कोई, तो नींद को मारे कान बताऊंगा, चलो सही हो गया, ठीक है ना, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। अरे फूल चमेली का होता है ना, वहां से ध्यान रख लेना सर। 88 में हो गया नंदा देवी, बाद में जुड़ा है 5 में। अरे कितनी बार रिपीट करोगे, पागल है क्या? ग्लेशियर बेसिन ऋषि गंगा सर, यहाँ से आपका ड्रेन बाय द ऋषि गंगा फ्लड, तो बाकी ग्लेशियर बहुत सारे चीजें हैं, छोड़ो। यहाँ पे त्रिशूल पहाड़ियां यहाँ पे पाई जाएंगी, त्रिशूल पहाड़ियां यहाँ पे, त्रिशूल 1, 2, 3 ऐसे करके आपके तीन उसमें पहाड़ियों के चक्कर में त्रिशूल पहाड़ियां यहाँ पे, ठीक है ना। नंदा देवी तो आपका यही है, ठीक है, चलो। ये है आपकी त्रिशूल पहाड़ियां, फेमस है आपकी बहुत आपकी, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स भी हो गया, मीडोस हो गए, चलो ठीक है। ये वैली ऑफ फ्लावर कहां पड़ती है सर? जास्कर और ग्रेट हिमालय के बीच में पड़ती है, जास्कर और ग्रेट हिमालय के बीच में पड़ती है। सर आप बताओ जास्कर किसका हिस्सा है? काराकोरम किसका हिस्सा है? जास्कर किसका हिस्सा है? जास्कर किसका हिस्सा है? काराकोरम किसका है? लद्दाख श्री, तीन आते। अच्छा सर, ग्रेट हिमालय उसके बीच में आपका ये पाया जाता है, बस इतना होगा। यूनेस्को में कब बन गया था ये? बायोस्फीयर आपका वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में आपका हिस्सा है, आपको पता है, ठीक है ना। यदि वहां घूमने जाओगे तो सर जून से अक्टूबर का महीना ज्यादा अच्छा रहता है वहां पे, नहीं तो अदरवाइज तो आप देखोगे हर समय आपका क्या रहती है, आपकी बर्फ भरी रहती है। देखो कितनी आपकी बड़ी बड़ी जो आपकी मूवीज की जो शूटिंग होती है ना, आजकल तो ग्रीन स्क्रीन आ जाती है, वहां पर कोई सा भी फूल उगा लो, ठीक है ना। आजकल ये चल रहा है, आपके एक कमरे में बंद होकर के सस्ते बजट में हो जा रही है, नहीं पहले ओरिजिनली होता था। पुराने जो 90s की मूवी देखोगे यहाँ पे चल रही है, बर्फबारी हो रही है, पीछे आपके फूल है, यहाँ पे आपकी हीरोइन, ठीक है ना, मटक रही है। चलो सर ये हो गया। अभी ये देखो इस तरीके से वहां पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे ट्रैक है सर, यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, क्या ही अच्छा लगता है वहां पे। ठीक है, ये सब है वहां पे, देखे जाइएगा। पुष्पावती नदी भी वहां से आपकी गुजरती है, ठीक है सर। एक आपका हिमालयन पेल फ्लावर है, और घंटी जैसा दिखता है ना, ये नाम लेना पड़ेगा क्या, संत हो जाओगे। ये आपका बेल फ्लावर, ठीक है ना, ये कैंपनुला लेटिफोलिया, और भी फ्लावर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीज होगी। ये आपका स्नो लेपर्ड है, ये आपका कहाँ पाया जाता है, वहीं पे, ठीक है ना।
मेलिफ्ला फूल देखने के साथ साथ में ध्यान रखना कहीं ये ना खा ले तुम्हें, ठीक है। ये सारी चीजें सर आपको नंदा देवी से लेके चल रहे हैं, कहां पे सांची लेके चल रहे हैं। तो नंबर कौन सा सर? 19। नमकीन खाओगे? नमकीन खाओगे आप? पूछो सांची। हाँ सांची, सांची कहां पे आपके? थप्पड़ दूंगा खींच के। सांची भी पहुंच गए यहाँ पे। ये है आपका बौद्ध स्तूप। अच्छा मेन है स्तूप, बहुत सारे स्तूप है लेकिन इसके जैसा नहीं है क्योंकि विरासत भी ऐसे ही नहीं बन गया है। चलो इसको बनवाया किसने था, कहा कैसे करके बात करेंगे। 89 में बना हुआ है। अच्छा बताओ जो सुंदरबन है कब शामिल हुआ है? 87। तो नंदा देवी 88। नंदा देवी अच्छा इसमें वैल्यू ऑफ फ्लावर कब एडिशन हुआ? 2005। वो बाद का है क्रम हमारा। अब 89 में कौन सा सर? ये आपका सांची वाला। 89 में क्या है आपका? सांची वाला। ये नंबर भी ध्यान रखो, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में पड़ता है सर। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सर? रायसेन डिस्ट्रिक्ट है। इसको बनवाया किसने था आपका? एम्परर अशोका ने बनवाया था, ठीक है ना। कहते हैं 3rd century BC में एम्परर अशोक ने आपका इसको बनवाया था, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे इसमें बदलाव हुए। आज का जो दिखता है ना वो 12th century का दिखता है, ठीक है ना। कहते हैं कि आपका 12th century में ये डिक्लाइन हो गया था, यहाँ की इंपोर्टेंस कम हो गई थी। चलो ये हो सांची के बारे में बात करेंगे, थोड़ी हम कहानी देखेंगे, देखो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा क्या क्या बदलाव हुए। ये मेवर कहते हैं आपका एम बना दिया गया था वृक्ष के द्वारा, सारा चीजें मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन, कुछ नहीं बना हुआ था। यहाँ पे पिलर को देखना आप, देखना थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखो ये क्या अंतर है, अच्छा आपको ऐसे करके दिखाते हैं। चलो ये है सुंगो वाला। सुंगो ने क्या किया, इस पे पत्थर जड़वाई, इसकी रेलिंग बनवाई, यहाँ पे भी रेलिंग बनवाई, ठीक है ना। और ये जो है ना छत्र कितने हो गए? 3 हो गए सर, पहले एक ही था, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे भी सुधार करवाया, यहाँ रेलिंग बनवाई, इन्होंने बाहर की बनवाई, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना कुछ बदलाव बताना। ये एक तरह से आपका जो पहली खिलते ना वो है, ये है आपके मोरियंस, ये आपके सुंग, मोरियंस सुंग। चक्र में अंतर हो रहा है, यानी अशोक के टाइम पे क्या है आपका? चक्र है, ठीक है ना। उसमें चक्र नहीं है, पिलर वाला हो गया। अब बताओ छत्रों को देखो, मोरियन के टाइम पे छत्र एक है, इनके टाइम पे 3, 1, 3, 1, 3, ठीक है। अच्छा बताओ इनको देखना, यहाँ कुछ है? रेलिंग है, सुंगो के टाइम पे होगी, ठीक है ना। बस अच्छा अब चलते हैं सुंगो के बाद में क्या हुआ। इन्होंने बहुत सारी चीजें करवाई और पत्थर से ये करवाया, इसको मरवा दिया क्योंकि ये खराब ना हो जाए। सुंगो ने अच्छा काम किया, ठीक है ना। मौर्य सुंगा सातवाहन, ठीक है ना। अब आगे सातवाहन, सातवाहन ने क्या करवाया? देखो ये सुंग वाला कुछ हो रहा है, तोरण कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? क्या कहानी समझ आई? आनंद आया, खत्म कहानी। आप चित्रों से याद रखना। तो सात वाहनों ने क्या करा? दरवाजे बना दिए, ठीक है ना। सात वाहन, सात दरवाजे बना दिए। सात नहीं है इसमें, कितने? 4 है। कितने गेट है आपके? 4। तो ये होगी कहानी आपकी। ग्रेट स्तूप, स्तूप है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, हमने बता दिया, ठीक है सर। बाकी चीजें आपको बताइए सर। 200 के नोट के पीछे भी अशोक साहब ने बनवाया था, ईटन से बनवाया था, ब्रिक स्ट्रक्चर बनी हुई थी। रिलिक्स ऑफ टू अशोक साहब की जो वाइफ थी ना, ठीक है ना, जो देवी उनका नाम है, वाइफ का नाम देवी। एक्चुअली वो बौद्ध धर्म से आपका संबंध रखती थी। जब उनकी कहानी देखोगे ना धारावाहिक वगैरह में भी, तो आपको पता पड़ेगा कि वो जो है ना आपका बुद्धिस्ट है। कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से प्रभाव भी पड़ा है उनपे। रहते ना घर में आप के जैसे रहते हैं आप, ठीक है ना, संसर्ग में आते ही हो, ठीक है ना, संपर्क में आते ही हो, तो वहां से फर्क पड़ता है यार, सोच का फर्क पड़ता है। तो कहीं कहते हैं कि अशोक का जो है ना बौद्ध धर्म की तरफ जो झुकाव होना इन्हीं की वजह से भी था। देवी और अशोक की शादी भी हुई थी उसी जगह पे, तो वहीं पे महात्मा जो बुद्ध है ना उनके जो रिलिक्स पे स्तूप भी बनवा दिया यादगार के रूप में। बहुत सारी चीजें हैं, देखिएगा। अशोक और उसकी वेडिंग, अशोक की वेडिंग भी वहीं पे हुई थी। ये सारी चीजें थी हमारी। बहुत सारे आपके और भी स्तूप है, जगह जगह हमने बात करी है। सांची स्तूप के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि इतना इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार ने क्या करा है, नोट के पीछे भी रखा है, ठीक है ना, नोट के पीछे भी रखा है। ये आपके 200 रुपए के नोट के पीछे है सर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे चलेगा। सो हमारा आगे हमारा प्रश्न है, ये बहुत सारे, अच्छा वहां पे केवल एक स्तूप नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है, स्तूप नंबर 1 है। वहां पे बहुत सारे 30-35-40 नंबर ऑफ आपके क्या है, आपके
स्तूप है, कुछ रह गए कुछ नहीं है, ऐसे करके वहां पर देखोगे कुछ मेन मेन देख लेते हैं सर। स्तूप नंबर वन जो आपका दिखता है जिसको हम सांची का स्तूप जानते हैं, अदरवाइज एक ही स्तूप नहीं है वहां पे, बहुत सारे, ठीक है ना। स्तूप नंबर दूसरा वहीं पे देखने को मिलेगा, ये तीसरा है भाई, और भी है बहुत सारे चीजें, ये देखो 17-18 जो भी है। अच्छा ये देखोगे उन्होंने क्या काम करवाया था, ये सुंगों ने काम करवाया था ना, ये पत्थर का करवाया था, बड़ा अच्छा करवाया था। अच्छा ये जो है ना, ये तोरण नहीं करवाए थे, किन्ने करवाए थे, सातवान ने करवाए थे, ये तो गेट जो है यहाँ पे देखोगे तो ऐसे करके आपका चढ़ाई बढ़ाई है। ये प्रदक्षिणा के लिए, प्रदक्षिणा समझते हो, परिक्रमा के लिए, ठीक है ना, वो बनवाए थे यहाँ पे। अच्छा इन पे जो है ना वो नाम वाम पड़े हुए कि भाई साहब इन्हें फलाने ने दान दिया, ऐसे करके आपका देखने को मिल जाएगा। हाँ कुछ नमूने तुम्हारे में से पहुंच जाते हैं, फलाना लाओ फलानी को लिखाते हैं वहां पे, ठीक है ना। ये लाल किले में दिखाता हूँ, मेरे को बड़ी गुस्सा आई थी, यार गंदी बात है यार, गलत बात है, ठीक है ना। अच्छा ये इस तरीके से आपका देखने को मिलेगा सुंग का आपका, ठीक है, जाओ आपको चलो लेके चल रहे हैं आपका इस तरीके से रेलिंग है, ठीक है, चलो हो गया बस इतना ही बहुत है। ऊपर देखोगे इस तरीके से सर तीन ये पाए जाते हैं, ये किसका प्रतीक है बताओ जल्दी से, तीन क्या है सर, तीन रत्न क्या है उसके, त्रिरत्न क्या है इसके, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम धम्मम शरणम, क्या है उसमें, बुद्ध के बाद में धम्म है फिर संघ है, संघ तीसरे नंबर पे है ना, ओके, बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम धम्म है फिर उसके बाद में संघ है, बुद्ध में है उसके बाद में फिर धम्म है उसके बाद में आपका संघ है, ऑर्गेनाइजेशन है। एक चीज ये भी होगी, कई बार कह देते हैं कि आपका त्रिरत्न भी है, तीन पटक भी है ना, तीन पटक कौन कौन से, सत्य विनय अवधम पटक, सत्य विनय और चल ठीक है। सर जो अशोकन पिलर आपने देखा था सर वो ऐसा रह गया अभी, अशोकन पिलर वो देखा था ना वो आपने चित्र में, वो आपका इतना रह गया, टूट सा रह गया, कुछ ही नहीं है। अच्छा कुछ दिन पहले भारत सरकार ने भगाए थे यहाँ से लोग, क्या कर रहे थे, गन्ने को तोड़ने का काम कर रहे थे, इससे यहाँ पे जूस वूस की लगाते थे यहाँ पे, कुछ दिनों तक वो गन्ना तोड़ रहा था यहाँ से, गन्ना लंबा होता ना उसको तोड़ने का काम ले रहा था सामने वाला, फिर भगाया गया, अब नहीं अब तो संरक्षित है, ठीक है ना। अच्छा ये बात आता कहीं पे मैंने रख दिया, खाया था मैंने, यहाँ हटा दिया, फिर आपका इस पे सर लिखा हुआ है यहाँ पे एडिक्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, कुछ आपके अब लिखी ग्रेट सांची स्तूप साइड व्यू इस तरीके से देखोगे तो ये है सर स्तूप नंबर तीन है, बहुत सारी चीजें गेटवे है, ठीक है, यक्षिणिया है वहां पे दरवाजों पे इस तरीके से, आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगी 12th की क्लास में, ठीक है ना, ये आपके ऐरावत पे है, बहुत सारी चीजें अभी समय नहीं है। देखो ये आपकी कौन सी कथा है सर, जातक कथा है वहां पे लिखी हुई है तोरण पे, सर तोरण को किसने बनवाया था सर, सातवाहनों ने, ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया आनंद आ गया आपको है? चलो बहुत सारी कहानियां जातक के रूप में है, बहुत सारी चीजें हैं सर, ये साउथ वाला है ना उसमें आपके ये कौन ये लगे हुए कौन, क्या नाम है इनका, लाइंस लाइंस, ठीक है ना, दरवाजे पे लाइन वाला साउथ वाला गेट में ये सर सर हो गया, ठीक है, ये कौन सा वाला है सर, नॉर्थ वाला ऊपर जाना है ना, ये वाला नॉर्थ वाला, यही सर नोट पे दिख रहा है आपके, है ना, कौन सा दिखता है, यही वाला दिखता है ना नोट पे, हाँ नहीं करते यार गेटवे ऑफ पीस बोला जाता है सर, शांति का दरवाजा भी बोला जाता है नॉर्थ वाले को जो नोट पे है, बड़े हराम ही हो बेटा। चलो सर हो गया ये, ठीक है दूसरा वाला है ये हो गया, ये सारी चीजें आपको लेके चलेंगे, आप कहाँ लेके चल रहे हैं सर, आपको सांची के बाद में तुरंत ही आपका दिल्ली लेके चलेंगे, और 20 पे टंकी है ना, टंकी रखवाएंगे कहाँ पे, हिमायू के टॉम्ब पे, ठीक है ना, बेचारा पानी को नसीब हो गया हिमायू, किसका बेटा था, बाहु अज साओ बावर का बेटा था, किसका था, बाहु हुमायूं अज अकबर जहांगीर ज शाह शाहजहां औरंगजेब, है ना, ये मेन किरदार यही है, उसके बाद में चंटर पंटर आते हैं, बाद में लास्ट में एक ध्यान रखना है कौन सा वाला, बाद ठीक है ना, ओके सर कहां पे आ गए आप, दिल्ली में लेके चल रहे हैं सर आपके हिमायू टॉम्ब पे, कहाँ लेके चल रहे हैं आपके, ये रहा थारा हिमायू टॉम्ब दिख रहा है दिल्ली में सर। दिल्ली में, ठीक है,
बहुत सारी चीजें इसको लेकर के अपन करेंगे। ये कब शामिल हुआ सर? 1993 में। सर पुरानी डेट कौन सी है फिर से बोलो? 87 में क्या है जल्दी से बोलो? सुंदरबन। 88 में क्या है? नंदा देवी, ठीक है ना, एटीएम वाला। इसके बाद में 89 पे सांची, ठीक है ना, 89 सांची। और ये 93 पे क्या है? हुमायूं टॉम्ब, ठीक है ना, ऐसे हो गया 1993 हुमायूं टॉम्ब। और ये पड़ता है आपका दिल्ली में सर, ठीक है ना। ओके, इसको बनवाया था, कंस्ट्रक्टेड 1560 में बनवाया था। एग्जाम्पल आपका गार्डन टॉम का है, इसको बनवाया था किसने? और प्रेडेसेसर ऑफ द ताजमहल। कुल मिला के देखो, बात बताएं, आगे चलेंगे इसको, बेगा बेगम या हाजी बेगम ने आपका बनवाया था, ठीक है ना। इस तरीके से आपका दिखता है, ये दिख रहा है ना। चलो और भी अच्छा सा दिखाएंगे, ठीक है। इसके दरवाजे पुराने टाइम पे आप देखोगे, कुछ अंग्रेजों ने तोड़फोड़ भी करी थी 1860 पे, ठीक है। ये कब बना सर? 1560 में बनाए, ठीक है कि नहीं, 1560 में, ठीक है। चलो 1556 में आपको पता हो तो अकबर ने गद्दी पे बैठा 1556 में, है ना, ठीक है ना। ओके, और ये है आपका हुमायूं टॉम्ब, इसके बारे में बहुत चीजें लिख लेते हैं तो भाई। चलो 1556 में ये खत्म हुए हुमायूं, तभी तो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये है हुमायूं टॉम्ब आपका सिनोटैफ, उसको भीतर से देखेंगे। हुमायूं की आपका जो कब्र है ना यहाँ पे, उसके ऊपर ये बनाया है, उनकी बेगम ने बनाया है, ठीक है ना। ये ऊपर सीलिंग पे ऐसा है, क्या यार भव्य चीजें बनी हुई है, देखो ये क्या बेहतरीन आपकी कारीगरी है। सर इसको प्रेडेसेसर माना जाता ताजमहल का, पूर्वानुगामी। अभी सर हुमायूं हुए, उसके बाद में अकबर होगा, फिर शाहजहां होगा, तब बनेगा ताजमहल, हाँ है ना। सही है। तो ताजमहल के नीचे वाला जो बेस देखोगे ऐसा ही बना है ना, ऊपर भी देखोगे थोड़ा बहुत ऐसे करके बेस बना, मीनार बना, मीनारेट बना दिया, उसमें पत्थर दूसरा है, इसमें लाल बलुआ पत्थर है, और क्या है, ठीक है सर। अब चलते हैं सर, इसको बनवाया किसने था? एम्प्रेस बेगा बेगम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जब ये हज चली गई थी तब इनका नाम फिर हाजी बेगम हो गया था फिर, ठीक है ना भाई, पति रहे नहीं तो क्या करेंगे, ठीक है। हाजी बेगम या बेगा बेगम के नाम से इनको जाना जाता है। और इसको डिजाइन किया था सर किसको? हुमायूं टॉम्ब को। किसने आपका? मिराक मिर्जा ग्यास, सिंपली मिर्जा ग्यास, ध्यान रखना, मिराक मिर्जा ग्यास पूरा नाम है, मिर्जा ग्यास ध्यान रखना। और उनका बेटा भी था, दोनों बाप बेटे ने करवाया था, सैयद मोहम्मद ने करा था, ठीक है। आपको केवल मिर्जा ग्यास ध्यान रखने, ठीक है, मेरी बात समझ में आई, आपको केवल मिर्जा ग्यास ध्यान रखने है, और ये ध्यान रखने। और ये कहां है सर? ये ऐसा पहला आपका एक नमूना है जो चार बाग शैली पे आपका है, ठीक है ना। गार्डन टॉम्ब भी बोला जाता है, जहां पे आपका बाग भी है और आपका टॉम्ब भी है, ठीक है ना, मकबरा, ठीक है ना। अच्छा सर चलो, और ये पर्शियन निजामुद्दीन, ठीक है, निजामुद्दीन ईस्ट में पड़ता है, दीन पना के पास में सर। दीन पना एक किला है सिटाडेल ऊंचाई पे, दीन पना सर पुराना किला, ठीक है ना, पुराना किला है ना, पुराना किला के नाम से जाना जाता है, जिसको आपका किसने बनवाया था? हुमायूं ने फाउंड करा था 1538 में, हुमायूं ने बनाया था। पुराना किला किसने बनाया था सर? यहीं पे एक और फैक्ट आ गया आपका, पुराना किला किसने बनाया था आपका? 1538 में, ठीक है ना, हुमायूं ने खुद बनाया था। वो बात अलग है कि 38 के बाद में देखोगे 39 और 40 में शेरशाह सूरी आ गया था, उससे फिर भागा फिरा बेचारा, कहीं रुकी नहीं पाया। लास्ट में कहते हैं कि आपका दीन पना की, यानी उसी की जो है ना लाइब्रेरी थी वहां पे, और लाइब्रेरी से बेचारे का पैर फसल गया, और जो है ना बदनसीबी उसके अंत तक पीछा नहीं छोड़ी, ठीक है, ऐसा करके कहा जाता है। तो पुराना किला, दूसरा नाम इसका दीन पना सिटाडेल, ठीक है, सही है भाई। ओके, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, 1993 में क्या बन गया सर? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सेवरल स्मारल, बहुत सारी चीजें। अच्छा, इसके बाद में हुमायूं टॉम्ब में बहुत सारे लोगों को दफनाया भी गया है, एक बड़ा फेमस नाम है जिसको कहते हैं दारा सिको, उसको भी वहीं पे दफन किया गया है, और भी खुद हाजी बेगम को बाद में वहीं पे दफन किया गया था, हुमायूं टॉम्ब के पास में ही, ठीक है ना। एक बार बार है, नाई भी है उनका, तो वो भी वहीं पे है। तो बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है एक ही का है, ठीक है, सारी चीजें होगी सर। एक और बात बतानी थी, ये जो चारबाग शैली है ना, यहाँ पे डेवलप करी है, ये अपने पिता से इंस्पायर हुआ था, ठीक है ना। इनके पिता कौन? बाबर। तो उसका बना था कहां पे आपका? देखो कहीं चारबाग,
टिपिकल काबुल में बना था, अफगानिस्तान में, ठीक है ना। ये गार्डन ऑफ बाबर, इसको बोला जाता है बागे बाबुर, बागे बाबुर। इसीलिए इसने आपका दिल्ली में आपका, इसने नहीं उसकी बीबी ने उसी से इंस्पायर होकर के यहाँ पे चारबाग शैली, पहले नहीं थी सर चारबाग शैली, पहले नहीं थी इंडिया में, पहला ऐसा नमूना है टॉम्ब के साथ में, ठीक है ना। चारबाग शैली, चारबाग क्या होता है सर, यहाँ पे स्मारक है चारों तरफ सर बाग है, नहीं समझ में आ रहा तो देख लो सर, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी है यहाँ पे पास में, मुसलम ऑफ द सेलिब्रेटेड सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन दरगाह भी अप्रोक्सीमेटली डी टू इज अप्रोक्सीमेटली टू निजामुद्दीन दरगाह, मुसलम ऑफ द सेलिब्रेटेड संत, ठीक है। यमुना नदी के किनारे आपको पता है निजामुद्दीन औलिया, विच इज रेफरेंड रूलर नहीं उसको लेकर के, ठीक है। बहादुर शाह जफर यहाँ पे पकड़े गए थे लास्ट में, कहानी क्या है इसको देखते हैं, चलो आपको बताते हैं। ये आपकी कौन सी, आपकी निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी है पड़ोस में, जब आप जाओगे हिमायतम तो दरगाह भी घूम के आ जाना, औलिया साहब की दरगाह है। दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे जो आपके बादशाह रहे थे सब यहाँ पे धोख देते थे, ठीक है ना। तो इन्हीं ने बोला था, औलिया साहब ने, एक को घमंड हो गया था, बुला रहा है वो, उनसे बोला था कि आ जाओ तुम, वो कहता मैं नहीं आता, सुल्तान लोग मेरे पास आते, तो कहता है कि तुम्हें आना पड़ेगा, उनके पहले सुल्तान बनते जा, अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दिल्ली दूर है, ऐसे करके बोला था। किसके लिए बोला था बताओ, दिल्ली उसके लिए नहीं बोला था, एमबीटी के लिए नहीं बोलेगा, एमबीटी तो बहुत मानता था, एमबीटी के लिए नहीं बोलेगा, यहां से दिन तुम लगे, एमबीटी तो बहुत मानता है भाई, वो नहीं, वो बदतमीजी नहीं करेगा, वो बुद्धिमान है यार, ऐसे स्टेटमेंट उसके लिए नहीं, ठीक है ना। एमबीटी के लिए बदायूनी ने बोला था, बदायूनी ने एमबीटी के लिए बोला था कि राजा प्रजा से और प्रजा राजा से मुक्त हो गई, नाउ आई एम कंफर्म, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक जब खत्म होता है ना, तो बदायूनी एक लेखक है वो लिखता है कि राजा तो प्रजा से मुक्त हो गया और प्रजा राजा से मुक्त हो गई, कि हर रोज बदलाव करता था, सोच अच्छी थी, लेकिन कई बार क्या होता ना, कुछ लोग थिंकिंग बहुत अच्छी करते लेकिन सोचना अलग है, एग्जीक्यूट कर पाना वो अलग चीज है, उसको प्लान कितना कर पाते हैं, बहुत सारे लोग आप नहीं जानते हो तैयारी कैसे करनी होती है, आप भी जानते हो, आपने कल ही पढ़ा सोचा होगा कि कल क्विज है, मैं ना चाहते ही घर पे जाते ही रगड़ देंगे, लेकिन अभी तो टाइम है, अभी शुरू करेंगे करेंगे, होते होते शाम खत्म, सोचा होगा कल पढ़ेंगे सुबह जग के, और तुम केवल जो ना ऐसे आ गए हो ज्यादातर तो, ठीक है ना। किसी ने पढ़ा एक आधो पढ़ लिए होंगे, कुछ लोग मल्लू के ज्यादा होशियार बनते हैं तो क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। चलो हो गया सर, इससे ब्रेन खराब हो जाता है, लास्ट में पेपर वाले दिन जो है ना, पेपर वाले दिन नहीं पढ़ना है सर, सोना है आराम से, क्योंकि जब आप एग्जाम में पहुंच जाओगे ना, उस एग्जाम के दो घंटे में ब्रेन अच्छा चलाने के लिए क्या होता है सर, किसी दिन दूसरे दिन दंगल होता है, अखाड़ा बंद रहता है ना एक दिन पहले, क्यों रहता है सर, कुछ इंजरी होती है, बॉडी अपने आप को रिकवर करती है, ऐसे ही आपके ब्रेन में आप इतना रगड़ते हो ना, एक दिन आपको रेस्ट चाहिए ढंग से, जैसे कि पेपर में आप बेहोश ना हो जाओ, सच्ची बोल रहा हूं मैं, ये सारे तरीके हैं पास होने के, आप नहीं मानोगे तो सारे वो काम कर रहे हैं जो फेल होने के होते हैं, आपके हवाले सर। सर एक बात कहते हैं, 1857 का युद्ध होता है और बाद में लास्ट में कौन है आके अंतिम मुगल बादशाह, बोलो जल्दी से, बादशाह जफर, उसको पकड़ा गया, भाई साहब यहां पे छुपे हुए थे, कहां पे, औलिया साहब की दरगाह में, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखो तो ये पकड़ लिए इनको, ये है आपके कौन, बूढ़े बहादुर शाह जफर, लास्ट बहुत अच्छे शायर है यार, कमाल की शायरी है इनकी, वो कहते हैं दो गज जमीन न मिली दफन के लिए, ठीक है ना, ऐसे करके बहुत सारी इनकी शायरियां हैं कमाल की, ठीक है ना। पता नहीं ऐसे करके स्टार्ट होता है, लाए थे चार दिन दो उसमें कट गए दो इंतजार में, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं इनको ये करके। अच्छा इनका ये लिबास है ना, आप जाओगे दिल्ली के लाल किले में वहां पे रखा हुआ भी है, आप कहोगे मैं तो ना पहनूं, ये ऐसा लगता है कि जैसे हमारे गोरा वगैरह होता है ना वो सिल लेते, सर उस टाइम पे फैशन थी, ये पहनते कैसे होंगे समझ में नहीं आ रहा, उस टाइम पे तो एसी वगैरह भी नहीं होती, ये झुलसी डाल कैसे लेते होंगे उस टाइम पे, यही फैशन थी, अब चीजें बदल गई। तो ये हिमायत टॉम के बारे में बात करेंगे, ये मेन बिल्डिंग आपकी यहाँ पे, बाकी एंट्रेंस गेट
ऐसे करके, और बीच बीच में ये फिलर्स के रूप में कैसर बाग है, क्या बेहतरीन बनाया हुआ है, ठीक है, हाली में गार्डन आता टॉम्बी ऐसे करके गार्डन है। जब आप जाओगे वहां पे तो क्या खूबसूरत है यार, वहां पे जाओ गर्मी के दिन में तो आनंद आ जाता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है यार। ये देखो इस तरीके से बना हुआ है, कितना बड़ा है उसका अंदाजा लगा सकता है, ये दिख रहा है इंसान, इंसान का बच्चा ठीक है सर। ये सर चारबाग शैली, क्या पार्क है यार, खूबसूरती की मसाल है। ये देखो ढंग से देखो, दिख रहा है, और ये ऊपर चढ़ने के लिए सर यहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई है, देखो अंदर से जावा इधर चल जाएगा, क्या एरिया यार कैप्चर कर रखा है। यमुना गुजर रही है सर, यमुना के तो उस पे है ही है, कहाँ पे सर, ये दिल्ली में है सर, ठीक है ना, स्पेशली पुरानी दिल्ली सर, दीनपना के पास में है, दीनपना बोले तो सिटेडेल है, पुराना किला किसने बनाया था, हुमायूं ने खुद बनाया था सर। और देखो मन कर रहा हो देखने का, था और देखना है, ये तो आपका इसके बाबर भावर की वो करके बार बार है, बाबर नहीं है भाई, नाई है, नाई का। और चलो आपका ईसा खान न्याजी टॉम, ठीक है, न्याजी की टॉम है, कोई ईसा खान करके है, छोड़ दे यहाँ पे क्या है, मेन चीज आपकी हो गई सर, ये रात में दिखता है वाइट टॉम ऐसे करके, ठीक है सर। हो गया आपका, कहाँ पे, दिल्ली में ही, और दिल्ली में ही अभी रहते हैं, दिल्ली में लेके चलेंगे आपको मेहरौली इलाके में, निजामुद्दीन से उठ करके आप चलेंगे आपका मेहरौली वाले इलाके में, वहां पे मिलेगी आपकी क्या, कुतुब मीनार, ठीक है। सन 87 में सुंदरबन, 17वें नंबर पे, 18वें नंबर पे आपका क्या है, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। नंदा देवी नेशनल पार्क कब बना था आपका, 1988 एटीएम दिया ना, 88 उसके बाद में 2005 में वैली ऑफ फ्लावर उसमें जुड़ गया, ठीक है। 89 में सर आपका 1990 सांची पहुंच गया, 89 में, अच्छा हुमायूं टॉम 20 कब, 93 में, आपको पता हो 93 में ही, 1993 में क्रीमी लेयर आपकी शुरू हुई है, पता ना आपको क्रीमी लेयर, तो वही लिंक कर रहे हैं वैसे जबरदस्ती है, तो आपका वो भी हो गया 1993 में, क्रीमी लेयर जो कंसेप्ट आया ना, देखो आपका रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें से क्रीमी लेयर इतने होगा, ओबीसी की क्रीमी लेयर कितनी है, 8 लाख है ना, जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर है उनको आपका वो नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है, आया ना, तुम तो क्रीम हो ना, क्रीम वाली लेयर है, उससे नीचे उनको मिलता है, ठीक है ना। अभी बोला जा रहा है कि एससी एसटी के लिए भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ले आओ, क्योंकि इसमें सब कुछ पढ़ लिखे नहीं है, जो 2-4 तबके पढ़ गए वही सारा लाभ ले जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके बोला जा रहा है, पर पता नहीं कौन करेगा, जो भी है चीजें सही भी है यार, क्योंकि इसका जो उद्देश्य था भी वो किन के लिए था, ठीक है ना, जो लोग उसमें एक हाथी से पीछे उनको लेकर के तारा जरूर सके, ठीक है सर। आपको दिल्ली में लेके चलते हैं आपका कुतुब मीनार वाले इलाके में, ठीक है। अच्छा 21 पे क्या था सर, नल था ना, 21 पे नल था, ठीक है चलेगा। 1993 में, अच्छा इससे पहले क्या था, हुमायूं टॉम भी 1993 में, अच्छी बात है 1993 में ही है ना, तो ये वाला भी आपका कुतुब मीनार भी, और वो भी किसमें आपका 1993 में ही, अच्छी बात है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा सर आपको, एक तो क्या है आपकी मीनार देखने को मिलेगी, दूसरा क्या देखने को मिलेगा, अलाई दरवाजा, तीसरा आपका कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कौन सी वाली, कुव्वतुल इस्लाम, चौथा हम देखेंगे आपका आयरन पिलर। ये चार बातें याद रखेंगे, ठीक है ना, चार बातें याद रखेंगे, कौन कौन सी आपकी, ये वाली, ठीक है ना, सबसे पहले ये वाला आपका, फिर उसकी चीजें ये देखोगे, ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना, ये वाला इलाका जब आप एंट्री मारोगे तब कैसे करके क्या है इसके बारे में हम थोड़ी चीज देखेंगे, ठीक है। जैसे वहां पे जाओगे तो ये है आपका अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा है, और यहां से देखोगे ये आपकी कुतुब मीनार पड़ती है, लाइट चल रही है, आता हूं। अच्छा कोई एक रिवाइज करो वहां पे, कोई करो ना, जाओ रिवाइज करो, right
हेलो जितने भी देख रहे हो सब पागल ऐसे अच्छे से बोलो ऐसे अच्छे से क्विज में जीतना जी कह रहे निकल जितने भी Sorry for the interruption. चलिए तो हम यहाँ पे पहुंच गए, आपको एंट्री करवा देते हैं। कहाँ पे आपका? इज एवरीथिंग फाइन? सब ठीक है? अरे मैं कुछ बता रहा था यहाँ पे। तो ये आपकी कुतुबमीनार है, ऐसे एक्चुअली आप यहाँ से एंट्री मारोगे ना तो यहाँ पे जाओगे, ठीक है? तो यहाँ एंट्री मारो, यहाँ पे मीनार देखने को मिलेगी, ठीक है ना? और भीतर चले गए तो ये कौन सी है सर? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। कौन सी? और यहीं पे सर आयरन पिलर है। कौन सा आपका? आयरन पिलर। ये मस्जिद वाले इलाके में ही है सर, ये वाला एक कंपाउंड देखो सर। ओवरऑल बाहर वाली बाउंड्री फिर से देखो सर, बाहर वाली बाउंड्री, ये दरवाजे में एंट्री मारोगे अलाई दरवाजा, किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी, नाम अलाई है, वहीं से पता पड़ जाएगी अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना? बहुत बाद में जुड़ा है अलाउद्दीन खिलजी ने, खिलजी वंश वाला। अरे गुलाम वंश के लोगों ने बनवाई थी ये, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है, ठीक है ना? यहाँ से एंट्री मारोगे, एंट्री मारी तुरंत ही यहाँ पे देखने को मिलेगा दरवाजा, यहाँ से घुस जाओ यहाँ पे। यहाँ तो मन करे तो यहाँ पे पहुंच जाओ, क्या है आपकी मीनार? नहीं मन कर रहा भीतर जाओ, तुम्हें आयरन पिलर देखना है तो भीतर और घुसना पड़ेगा, यहाँ से घुसो, एंट्री मारो, यहाँ पे पहुंचोगे आपको आयरन पिलर यहाँ पे, ठीक है? चलो दिखाते हैं सर आपका, ठीक है? अच्छा, इसको कुतुब मीनार का मतलब क्या है? विक्ट्री टावर भी बोला जाता है, इसको बनाया था, ठीक है ना? दिल्ली सल्तनत के लोगों ने बनवाया था। कहाँ पे आपका? मेहरौली में पड़ता है, दिल्ली का इलाका है मेहरौली, वहीं पे इसको बनवाया था। और इसको ऐसा मन करता है कि ये बोल दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे करवाया था, नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कौन है आपके? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है ना? एक सूफी संत है, उनको फॉलो करता था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और आपको पता हो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था सर? गुलाम था। किसका आपका? मोहम्मद गौरी का। किसका आपका? गौरी का गुलाम था। कौन आपका? ऐबक, ठीक है? इसने शुरुआत करवाई इसके बनाने की, ठीक है ना? फर्स्ट सुल्तान भी है सर मामलुक डायनेस्टी का, मामलुक वंश से जुड़ा हुआ है। मामलुक वंश को सर कहते हैं गुलाम वंश। क्या बोलते हैं? मामलुक, ज्यादा मलुक है क्या? गुलाम, ठीक है ना? मलुक के तो गुलाम हो ही जाते हैं ना, मामलुक, अब याद रहेगा आपको, ठीक है? तो क्या है सर, मामलुक वंश को क्या बोलते हैं? गुलाम वंश, ठीक है? तो इसका आपका पहला सुल्तान भी है सर यहाँ पे, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है सर? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस वंश से जुड़ा हुआ है? मामलुक। गुलाम वंश नहीं दिया सर उसने, चेंज कर दिया, तो मामलुक, ठीक है ना? मामलुक, ठीक है? उसके बाद में इसको आगे जारी किया गया आपका कौन सा? इल्तुतमिस ने बनाया। किसने बनाया आपका? फाइनली कंप्लीट किया किसने आपके? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने आपका? फिरोज शाह तुगलक ने। चलेगा, बस इतनी सी चीजें हैं। और आप देखोगे मस्जिद भी बनी आपकी 1193 में, 1193। किसने बनवाई है? खुद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई है। जिसने आपकी ये मीनार बनवाई है उसी ने मस्जिद बनवाई है, ठीक है ना? विजय के रूप में राजपूतों से जीत गया, फिर उसने मस्जिद भी बनवाई। कहते हैं भारत में पहली मस्जिद है, इससे पहले कोई मस्जिद ही नहीं है। जितने आए लड़के चले गए, कोई रुका थोड़े ना है, पहला रुका है। तो भारत में पहली मस्जिद कौन सी है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। चलो इसके बारे में बात करते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें जोड़ी है, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, ये बहुत सारी चीजें, आयरन पिलर, इसको देखेंगे सर, ठीक है?
ये एरिया देखो, ये वाला दिख रहा है ना, ये आपका कुतुब मीनार वाला आयरन पिलर, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये रही अलाई दरवाजा, ये रहा। और भी नहीं लगे तो और भी देखते हैं आपका चीजों को लेकर के। ये आपका ये दिख रही है, ये छोड़ो इसमें, ये अलाई दरवाजा नजदीक से देखो, अलाई दरवाजा है, यहाँ से एंट्री दिलवाएंगे आपको। चलो एंट्री मार ली, भीतर चलते हैं। जो मस्जिद है ना वहां पे थोड़े आपका इनके पिलर पे थोड़े हिंदू इनकार्नेशन भी देखने को मिल जाते हैं कुछ चीजें। ये दरवाजा यहाँ से एंट्री मारोगे, यहाँ पे किनारे पे मिलेगी आपको मस्जिद। भीतर मस्जिद में पहुंचोगे तो आपका ठीक है ना, मस्जिद के कंपाउंड में ही है क्या आपका आयरन पिलर, इसके बारे में अभी बात करेंगे। ये मस्जिद वाला ये किसने 1193 में खुद किसने बनवाई आपकी, राजपूतों पे विक्ट्री के बाद में इसने आपके कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। कुव्वत का मतलब क्या होता है, माइट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की जय हो, ऐसे करके ठीक है ना, माइट ऐसे करके ठीक है ना। अब बात करेंगे सर किसकी बात कर रहे हैं, इसकी ठीक है ना, जो बेहतरीन चीज आ रही है, जो कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है उसको लेकर के जहां से क्वेश्चन आते हैं सर। राजा धावा करके है, धावा या धाव पता नहीं क्या है, जो भी आप 4वीं सेंचुरी में बनवाया था ठीक है ना, उसने आपका दिल्ली सेट बाय द राजा धावा, देखो सुनो, राजा धाव करके दिल्ली किसने आपकी बनाई थी, आपका आयरन पिलर ऑफ दिल्ली सेट बाय द राजा धावा 4th सेंचुरी स्ट्रक्चर, इतने इतने को लेकर के है, इतने सेंटीमीटर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द चंद्रगुप्त ठीक है ना। अब सुनो एक और बात है, यहाँ कुछ जगह कंफ्यूजन हो रखा है, आयरन पिलर दिल्ली वाला सेट किया गया था राजा धावा के द्वारा इतने सेंचुरी, इतने स्ट्रक्चर का, यानी कितना लगभग आपका 7.5 मीटर का, लगभग 7.5 मीटर का, 7.5 बोले तो अभी मीटर में तो 25 का चलता है ना, 7 अभी घंटे का नहीं है ना, घंटे में 15 का रहता है 7, यहाँ पे क्या है लगभग। अच्छा इसको बोला जाता है कि आयरन पिलर को बनवाया किसने, चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था, किसने बनवाया, अरे ऊपर वाले को गोली मारो यार, इतना ध्यान रखो कि इसको किसने बनाया, चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया, इतना ध्यान रखना है ठीक है। मेहरौली इलाके में दिल्ली में पड़ता है सर, और इसकी खासियत क्या है सर, ये रस्ट रेजिस्टेंट कंपोजिशन बनी हुई है इसकी, किस चीज से बनाया गया है, ये आपका मिश्र धातुओं से बनाया हुआ है, ऐसा है कि इस पे जंग नहीं लगती है सर, इस तरीके से आपका बना हुआ है ठीक है ना। और कहते हैं कि दिल्ली में जो आज के समय में दिल्ली जो है ना, यहाँ पे इसको जो उकराया था वो अनंग तमर थे, अनंगपाल तमर, कौन से आपके, अनंगपाल तमर, और आपको पता हो अनंगपाल तमर कौन है, आपके नाना जी है, किनके, पृथ्वीराज चौहान के, किसके आपके, पृथ्वीराज चौहान के, अरे गौरी की लड़ाई उसी से तो होगी ठीक है ना। तो बाद में अनंगपाल साहब ने इसको दिल्ली में लगवाया था ठीक है ना, और गौरी की लड़ाई होती है किससे, आपकी पृथ्वीराज से, वो आ जाएगा तो किसके हाथ में आ गया सारा, गौरी के, गौरी फिर चला गया वहां पे ठीक है ना, तो रह किसके गया, उसके गुलाम के ऊपर हाथ में। तो बाद में उसने मस्जिद वगैरह बनवा दी, आयरन पिलर को हटवाया नहीं, इसको लगवाया किसने था, अनंगपाल ने, इसके अड़ास पड़ास में मस्जिद बनवा दी, बात होगी खत्म, बाद में नहीं लगाए मस्जिद, बाद में बनी है, पिलर पहले है, मेरी बात समझ आएगी। ये था उदयगिरी की गुफाओं के पास में, ये यहाँ नहीं था, अनंगपाल ने तो वहां से मंगवा लिया, मेरी बात समझ आएगी। देखो कहानी कैसे है, सुनो, इसको उदयगिरी की पहाड़ियों के पास में, कहां पे उदयगिरी बोले तो आपका उड़ीसा में, वहां बनवाया चंद्रगुप्त सेकंड ने, और राजा धावा है वो आपका दिल्ली वाले किसी इलाके में ले आया, बाद में जो फिलहाल जगह पे है वहां पे अनंगपाल ने रखवाया, दूसरी जगह से भी, दिल्ली से भी, दिल्ली में उठवा के यहाँ पे जो रखा है अनंगपाल ने, कुल मिलाकर ये पूछेगा, अनंतपाल तोमर उसने लगवाया ठीक है, 11वीं सेंचुरी में। और 12वीं सेंचुरी में मस्जिद बनी है सर, 1193 का मतलब क्या होता है, 1200 सही है ना ठीक है ना। योगी मरिया थे, कौन से थे, गुलाब के लिए तो सहला, 5 हो गए ना थे ठीक है ना। लोधी वंश अंत में इब्राहिम लोधी इसको हरा करके कौन मुगल आ जाएगा सर, उसी की तरह लड़ाई होगी ना ठीक है ना, क्लियर हुई चीजें, तो यही है सर। तो ये हो गया आपका पूरा इलाका, हमने पूरा कर लिया, अब लेके चलते हैं सर आपको कहाँ पे ठीक है ना, माउंटेन हिल्स की बारे में बात करेंगे सर। 21 पे क्या था आपका, मीनार, ऐसा नहीं लग रहा नल का है, सीधा सर नल खड़ा हुआ है, आजकल वैसे नल आ गए ना, अब वैसे नहीं आते, सीधा पाइप सा लगा देते हैं, तो मीनार क्या बना दी तुमने, नल 21 पे, और क्या करें सर ठीक है। उसके बाद में 22 पे सर नान थी, नान कहाँ खाओगे सर, माउंटेन रेलवे में, ना ना आपने पैक कराई और कहां पे लेके गए सर, माउंटेन रेलवे पे खाएंगे सर, 3 जगह लेके चलेंगे, पहले लेके चलूंगा आपको दार्जिलिंग, कहां पे, दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे ठीक है, उसके बाद में लेके चलूंगा सर नीलगिरी, फिर उसके लिए बाद में लेके चलूंगा आपको कालका शिमला वाला, कहां पे,
ये 2008 में, ये 2005 में, ये कब है इसके बारे में देखते हैं आप, ठीक है। दार्जिलिंग रेलवे की तरफ हम लेके चले गए आपको, और ये 1999 में। इस रेलवे की टिकट कितनी है सर? 99। ज्यादा महंगी मत करो, 1999 मत करो, केवल 99 कर लो। अरे 1900 तो चल रहा है ना सर, सस्ती देखो ना। चलो, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, बहुत सारी चीजें देखोगे तो तीन रेलवे हैं बाद में। 99 में ये जुड़ी, दार्जिलिंग पहली वाली थी। दूसरे नंबर पे सर नीलगिरी वाली 2005 में, तीसरी वाली कालका शिमला सर 2008 में। अब और जुड़ने वाली है ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। ये देखो अभी ये कालका वाला दिखा रखा है सर आपके। ये माउंटेन रेलवे फलाना ढिमका जो भी हटा हुआ। आगे चलते हैं दार्जिलिंग वाले में। ये दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन है, वहां से ट्रेन शुरू करवाते हैं आपकी। इसको दार्जिलिंग जो माउंटेन रेलवे, इसको टॉय ट्रेन बोला जाता है सर। क्या बोला जाता है? टॉय ट्रेन है, वहां से चलती है, ठीक है। कहां तक चलती है? न्यू जलपाईगुड़ी तक लेके चलेंगे। तो आपको स्टेशन पे बिठवा दिया यहाँ पे। कहां पे हो आप? दार्जिलिंग वाले पे। चलो आपको लेके चलते हैं। और उसके बाद में दूसरा वाला स्टेशन पड़ेगा घूम। कौन सा पड़ेगा? घूम। घूम के बारे में बात ध्यान रखनी है, इंडिया का सबसे ऊंचाई पे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। इंडिया हाईएस्ट रेलवे स्टेशन सर घूम। कहां पे है आपका? घूम, ठीक है ना। ऊंचाई पे सर, पहाड़ों पे है ना, इसलिए ऊंचाई पे है, ठीक है। ये आपका बन गया है, ये पुराने टाइम का है, ये दार्जिलिंग वाले का पुराना दे रखा है। ये आपका दार्जिलिंग रेलवे टॉय ट्रेन जिसको बोला जाता है वो यही है, ठीक है ना। दार्जिलिंग स्टेशन से आपका एंट्री मरवाएंगे। सर किराया देख लो, तो किराया घूम रेलवे स्टेशन के लिए केवल 7 किलोमीटर के लिए 96 फर्स्ट क्लास, और सेकंड क्लास 21। वहां पे जाके भी कंजूसी करते हैं कुछ लोग। जब आप घूमने जा रहे हो ना, देन आफ्टर आपको कोई कंजूसी नहीं करनी, फर्स्ट क्लास में बैठ के देखना, ठीक है ना, जो भी सुविधा है उनकी। इसमें तो है भाई, अरे लटक जा, अरे घटी, ठीक है सर। तो फर्स्ट क्लास की टिकट कितनी? 96 की। हम सर कितना बोलेंगे इसको? 99 बोलेंगे, क्योंकि लिंक करना है। कब शामिल हुई सर? 99, क्योंकि दूसरे वाले की तो महंगी है इसकी, ठीक है। सोनादा की है, घूम दूसरा रेलवे स्टेशन है दार्जिलिंग के बाद में। फिर उसके बाद में लास्ट कौन सा है? न्यू जलपाईगुड़ी, 247 की टिकट, सीधी जलपाईगुड़ी तक लेना। उसमें 7 किलोमीटर पता नहीं पड़ेगा कब निकल गया, कब पहुंच गए। हालांकि बहुत धीमी चलती है, आराम से बैठो, उठन खाओ, वहां पे 22वें नंबर पे ना सर, ठीक है। चलो सर, ये हो गया सर, ये यहां से पहुंचे। चलिए आपकी कहां पे लेके चल रहा है आपका? दार्जिलिंग से चलिए घूम दूसरा रेलवे स्टेशन। और ये क्या है सर आपका? सबसे ऊंचा है भारत का, सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। चलो पहुंच गए सर आपके, कहां पे? नीचे लेके चले, न्यू जलपाईगुड़ी उतरो, आगे चल के लेके चलते हैं आपके दूसरी जगह पे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे की तरफ लेके चल रहा है, ठीक है ना। कौन सा क्या है कैसे करके, बहुत सारी जगह देखने को मिलेगी। ये कुन्नूर से लेकर के उदक मंडलम ऊटी तक आपका लेके चलेंगे, ठीक है ना, चलेगा। तो यहाँ पे उदक मंडलम या ऊटी, ठीक है ना, इसको लेकर के बीच में आपका ऐसा आपका ब्रिज देखने को मिलेगा। यार क्या कमाल है, ये अंग्रेजों ने कुछ चीजें तो सही करी है। अच्छा, इसकी खासियत एक और चीज है सर, कुछ देर के बाद में देखो कि बीच में ये पड़ रहा है ना, देखो इस तरीके से आपका रहता है इसमें नीलगिरी वाले में, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ने पे कई बार फिसल ना जाए ट्रेन, तो बीच बीच में ऐसे करके रहते हैं। ये क्या करेगा, ट्रेन को आगे बढ़ाता है, ऐसे करके ट्रेन चलती है बीच में, ठीक है ना, केवल पटरियों पर नहीं पड़ता। ये आपको देखोगा निडल पीक, आपका एक पहाड़ी भी है, सुई की नोक भाई, पाइकरा वाटरफॉल भी है यहाँ पे बीच में देखने को मिलेगा, वहीं पे रास्ते में ही आपको ये टोडा जनजाति है वहां के, तो वहां पे उनकी ये मड़ैया भी देखने को लगी, जाना नहीं। अच्छा, यहाँ पे ऊटी में आपका कौन सा फूलों का आपका जो उत्सव है ना, वो शो देखने को मिलेगा। उदक मंडलम आ गया, अब उतरो निकलो, ठीक है ना। यहाँ पे आपका स्टोरेज आपका खत्म, आप लेके चलते हैं सर कहाँ पे? केएसआर, ठीक है ना, कालका शिमला रेलवे, केएसआर में लेके चलेंगे आपका। तो ठीक है, शिमला जो है ना समर कैपिटल ऑफ इंडिया हुआ करती थी कभी, अब नहीं है, ठीक है ना, ब्रिटिश लोगों के टाइम पे। सारी चीजें हैं आपका, देखो ये पहाड़ों पे है आपका, ये आपका समर हिल्स है, जाड़े में बर्फ आपका वहां रहती है, ठीक है ना। अभी जाना हो, गर्मी में जाने का मन रहता है ठंडी का, क्रॉसिंग ए ब्रिज, ठीक है ना। ये है आपकी कालका शिमला वाली, देखोगे कई जगह आपको इसमें से टनल में से निकलती दिखेगी, ठीक है। सोलन के पास में एक टनल है, वहां से आपकी एंट्री मारती है। फिर कहां है आपके, जुटोग में भी आपकी टनल है, यहां से एंट्री मारती है। ये सर रेल कार भी है, ये रेल कार भी है, अरे पूरी ट्रेन नहीं है, बस इतनी है, ये इतनी है, ये तो पीछे लगाया हुआ है, ठीक है ना। इसमें कुछ VIP लोग बैठ के जाते हैं, वो कार जो किस पे चलती है, पटरियों पे, इसलिए इसको रेल कार बोला जाता है, ठीक है ना।
शिमला में पहुंच गए सर, कालका से शिमला पहुंच गए, शिमला पहुंच गए उतरो यहाँ पे खत्म, आपके क्या हो गए माउंटेन दिल में हो गए सर, आगे लेके चलेंगे कहाँ, 22 हो गए ना, 22 के अंदर 23 के नंबर पे आपका नीम, नीम के नीचे आपका भगवान बुद्ध को आपका क्या मिला था ज्ञान, सर गलती कर गए, क्या कहा मिला था पीपल, कौन सा था जानबूझ के आपका क्या कड़वी सच्चाई बोली थी, ये ज्यादा सही है, नीम आया कड़वी सच्चाई समाज की उस टाइम पे बताई थी, क्योंकि समाज जो है ना आपका क्या है सीधा लेके चले आपके बोध गया, बोध गया में देखोगे तो आपका ये दक्षिणी बिहार में आपका पड़ता है बोध गया, और इस तरीके से आपका बोधि पल है वहां पे, ठीक है सर, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स वहां पे जितनी भी चीजें पड़ती है बिहार में, हमने बोला था सर 2002 में है सर, कब है आपका 2002, इससे पहले कब था सर 99 में, कहाँ घूम रहे हो ये सारी चीजें, ठीक है ना 99, ठीक है ना 99 के बाद में 2005, 2005 के बाद में नीलगिरी, 2005 में ना, उसके बाद में 2008, ये लिंक हो गया ना, पहले में दिक्कत आती है इसलिए मैंने बोला 99 की टिकट कटाओ, हालांकि 96 की है, अब सर नया रेट की पता नहीं मेरे पे किसे आ जाओ ये बहुत पुराना रेट है उसका, किसान ने तो बोला ये 2002 है, ठीक है ना, दो पढ़ेंगे दो, 2002 बोधि टेम्पल कुत्ती आ जाएगी, दो दो पढ़ के दो, 2002 ठीक है ना, 2002 में आपका क्या है बोधि टेम्पल, ठीक है ना, भगवान बुद्ध को यहाँ पे बुद्धि प्राप्त हुई थी, बाकी चीजें आपको पता ही है सर, ये देख लो, ठीक है ना, गुप्ता पीरियड में क्या है थोड़ा बहुत इसमें चीजें हुई है, इसको बनवाया गया था आपका इसको लेकर के इसको बनाया किसने था, बनाया था अशोक साहब ने, फिर उसके बाद में गुप्त पीरियड में भी इसको फिर से आपका बनाया गया, ठीक है ना, ओके चलो बस बहुत है इसमें, ग्रेट अवेकनिंग टेम्पल भी बोला जाता है, ज्ञान की प्राप्ति वाला बोधि वाला है ना, अवेकनिंग अटेनिंग द एनलाइटमेंट बोधि गया बिहार, बोधि ट्री पड़ता है आपका, बहुत सारी चीजें देखेंगे वज्रयान शाखा विजिबल, ठीक है, अशोक महाबोधि टेम्पल आपका बनाया था इन्होंने 250 BC में बनाया था, ये काम कहा हमारा, इसको महाबोधि टेम्पल को किसने बनाया था, अशोक साहब ने बनाया था 250 BC में, जानबूझ के बोलेंगे 250 BC, ठीक है ना, ये तो आप थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, पुराने टाइम पे कुछ और था, ठीक है ना, इस तरीके से आपका लार्ज फॉर्म है, देखो बोधि ट्री ये पड़ता है यहाँ पे, बहुत सारे लोग यही है, इसी वृक्ष के नीचे क्या हुआ था महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना, ये लोग आपके वहां पे बैठे रहते हैं, ठीक है ना, ये जगह थी जहाँ पे उसको थोड़ा बंद कर दिया, इनक्लोज कर दिया, वहां नहीं जा सकते, बस देख सकते हो दूसरे, ये लोग कहते हैं सर डायमंड थ्रोन है यहाँ पे, डायमंड थ्रोन, ठीक है ना, सिंहासन डायमंड उसको बोला जाता है, ठीक है ना, कहते हैं उस टाइम पे डायमंड जड़वाए थे अशोक साहब वगैरह ने, बाकी बाद में आपके वो कर लिए, तो यहाँ की जो रेलिंग वगैरह है, यहाँ पे जो रेलिंग है, ठीक है ना, उस टाइम की, इसको जो है ना आपका कलकत्ता के म्यूजियम में रखी हुई है, यहाँ पे तो पॉलिश वॉलिश हो रखी है, ये वैसे ही है प्लास्टर वगैरह लग रखा है, उस टाइम की नहीं, ये तो नहीं है, ये जो ओरिजिनल वाली रेलिंग है ना आपके कलकत्ता म्यूजियम में है, आपकी यहाँ पे आपकी कोलकाता म्यूजियम है, ठीक है, ये हो गई, ठीक है, ये मुकुलंद की जो कहानी है ना, मुकुलंद की कहानी सुनो आप, मुकुलंदी की कहानी क्या है कि जब भगवान जो बुद्ध है ना, मेरी बात सुनो फिर से, भगवान बुद्ध है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी तो कहते हैं देवी देवता भी उनसे क्या हो गए थे, ठीक है ना, नाराज हो गए थे, उनको प्राप्ति नहीं होने दे रहे थे कि हम यार ज्ञान की प्राप्ति हमारे लिए है, ये जो इंसान आपकी ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है, तो कहते हैं बहुत सारे आंधी झंझावात होने लगे, कहते हैं ना शेषनाग का एक प्रतीक है, तो शेषनाग इनको बचाने आए, कोई बात नहीं टेंशन ना लो मैं हूं, ठीक है ना, ऐसे करके बोला जाता है, मुकुलंद की कहानी है, तो ये आपका एक सरोवर भी है वहीं पे पड़ोस में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, ये आपके, ठीक है, बहुत सारी जातक कथाएं हैं उनसे जुड़ी हुई है, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये मेन मूर्ति है जिस मंदिर में, वो बड़ी भव्य मूर्ति है, दर्शन कर लो यार तो बुद्ध के, ठीक है ना, आपको लेके गए कहां पे आपका बोध गया भी हो गया आपका, ठीक है ना, चलिए आपको लेके चलेंगे लास्ट में आपका कहां पे, भीम की बेटिका में, ठीक है ना, 24 नंबर पे, नीर पानी, ठीक है ना, रायता पानी होता कि नहीं, हाँ नीर होता है कि नहीं, अरे सुनो 24 पे क्या होता है, नीर होता है कि नहीं, ठीक है ना, 24 पे नीर है, नीर को कैसे बोलोगे, पानी है ना, रायता पानी बोल दो तो? सर यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी, राता पानी, राता पानी वहां पे ये भी मिटेगा, उसके अंदर है भाई, कोई बात जो है ना एवेन्यू है सर, कुछ ना कुछ लिंकिंग रहती है उससे, जैसे अपन बोल रहे हैं ना वैसे ही समझ जाओगे ना, सारा याद हो जाएगा, सर आपको लेके गए भीम बेटिका, सर डिस्ट्रिक्ट वही है रायसेन वाला, सांची वाला ही है, देखो अड़स पड़ोस में, अच्छा खजुराई में चित्र पड़ेंगे तुम्हें, ज्यादा खोजाओगे तो कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराई में, खजुराई है ना वहीं से, सर इतना ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे लेके चले आपके, सर नर्मदा
पढ़ रही है यहाँ पे, ऊपर क्या है सर, विंध्यन रेंज, ठीक है ना, ये जो है ना आपके विंध्यन पहाड़ी में ही पड़ती है सर ये, ठीक है ना, उसके साउथ में पड़ती है, ठीक है। आगे नदी कौन सी है सर, नर्मदा जी पड़ती है, ठीक है ना, उसी के बैंक पे है, आप देखिएगा इस तरीके से भीम बेटिका है सर। आगे चलते हैं, आपका देखते हैं रॉक शेल्टर्स ऑफ भीम बेटिका। भीम बेटिका शब्द बाद में हो गया, भीम बैठक है, बैठक भीम बैठा करते थे यहाँ पे, ठीक है ना, भीम कभी ड्यूरिंग आपका कौन सा क्या अज्ञातवास वगैरह, वहां पे भीम ने अपना अलग से वो कराया था जुगाड़, ठीक है ना। आप देखोगे भीम की शादी कर दी थी डम्बा से, हो गई थी कि नहीं, तो यहाँ पे बैठक लगाया करते थे भीम भी। भीम का बेटा है यार, नाम था घटोत्कच, ठीक है ना, तो ऐसे कमी होते हैं ना, उसे पता था कि मैं मरूंगा, पर ऐसा है कि कोई भी बाण जो है ना मेरे को नहीं वो कर पाएगा, और उसके तुणीर में एक बाण था अर्जुन, उसके में क्या नाम है, कर्ण के में पाशुपत शिव का था, पशुपत नहीं था, कौन सा था जो भी था, हाँ कि इसको एक बार मार देगा ना, कवच के बदले में दिया था, हाँ आई गॉट, तो हाँ अर्जुन के लिए था, हाँ वो दिमाग से कन्हैया ने करवा दिया था, पता थी अर्जुन को नहीं बनने दूंगा, बोले कि देख तुम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, उसको प्रकट कराया गया, मायावी शक्तियों से लेस था कौन, घटोत्कच, तो बोला था देख ये तो कुछ कहेंगे नहीं, तू देख ले तेरे को बंदा देना कि नहीं, कन्हैया ने सेटिंग बढ़ा दी, ठीक है कोई बात नहीं, हो गया पूरे पे बरसाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, लास्ट में उसको निकालना पड़ा, यार मेरी सेना बचेगी तब ना युद्ध जीतेंगे, कर्ण को निकालना पड़ा, मजबूर कर दिया भाई, जिसको करे इधर लुट के वो मर जाए, इधर लुट के वो मर जाए, लास्ट में उसने वो मार दिया, वो खत्म, ये था ऐसे करके सेटिंग करी है, बड़ा बचाया है अर्जुन को यार कन्हैया ने, ठीक है, पॉलिटिशियन थे वो तगड़े वाले। चलिए सर मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है, भीम बेटिका वाली कहानी आपकी सुनेगा, तो आपके 2003 में सर, तुरंत बताओ 2002 में क्या था, दो दो हाथ पड़ेंगे सीधे उदय उदमा का जाएगा, है ना, बोले तो बहुत ही सर, उससे पहले चलोगे 99 रुपए की टिकट कहाँ पे, माउंटेन रेलवे, तो दार्जिलिंग 99, 2005 आपका नीलगिरी, 2008 कालका, उससे पीछे चलो 99 से पहले नीचे क्या था आपका 93, सीधा 93, 93 पे दो है सर, एक तो कुतुब मीनार वाला, ठीक है ना, कुतुब मीनार वाला, ठीक है ना, उसके पहले क्या है आपका हुमायूं टॉम, उल्टा चल रहे हम, ठीक है ना, उसके बाद में 88 में क्या सर, नंदा देवी, हाँ नंदा देवी, ठीक है ना, उसके बाद में 87 में क्या है सर, 87 में तो वही है सुंदरबन वाली, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे करके लिंक बनाओ। चलो 2003 में क्या है सर, भीम बेटिका वाला ये हो गया सर आपका, देखो विंध्यन रेंज के फुटेल में ये, जो आपका ना फुटील का मतलब क्या होता है, पहाड़ी है उनके आपके फुट में, ठीक है ना, ऐसे करके चलो इसको देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ये दिख जाए तो ठीक है, आपको लेके चल रहे हैं सर विंध्यन रेंज, यहाँ पे आपका नर्मदा पाई जाएगी, अरे यहीं तो बैठेंगे परिवहनी कर लेंगे बेटा, आवाज नहीं करो, चलो मेसोलिथिक पीरियड की बात करेंगे, अर्ली फेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल की भी है यहाँ पे कुछ, मुख्य रूप से मेसोलिथिक है, कौन सा वाला मुख्य रूप से मेसोलिथिक है, ठीक है ना, पाषाण काल की बात करेंगे, मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल, वो आपकी रॉक शेल्टर्स हैं, गुफाएं 750 है, 750 है, 7 हिल्स है, 7 हिल में आपके कुछ देखने को मिलेंगे कहां चीजें, ठीक है ना, रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, हमने बोल दिया कौन सा आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, ठीक है ना, और देखो प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स गुफा आपकी देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, प्री हिस्टोरिक, ठीक है ना, प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक, ठीक है ना, ऐतिहासिक गुफा आपकी पेंटिंग गुफा चित्रकारी देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है ना, ओल्डेस्ट नोन रॉक आर्ट इन इंडिया, इसके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा, आंसर क्या है आपका, रॉक आर्ट चट्टान पे चित्रकारी का सबसे पुराना नमूना कहां है सर आपका, भीम बेटिका, इसका एग्जांपल क्या है, भीम बेटिका, ठीक है, नहीं कुछ कुछ साइट तो सर बहुत पुरानी है, 1,00,000 साल तक की, कुछ 10,000 BC की है, तो बहुत आपका रहता है, लार्जेस्ट प्री हिस्टोरिक कॉम्प्लेक्स है, इसकी हमने बात कर ली सर। अगला चलते हैं सर, आपका कहां है, कौन से आपका वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा है, ये रातापानी, कौन सा है सर रातापानी, बहुत ज्यादा बड़े में भीतर पड़ती है, उसके भीतर पड़ती है सर ये भीम बेटिका, वन्यजीव अभ्यारण बड़ा है उसमें भीतर पड़ती है भीम बेटिका, ठीक है ना, चलो ये हमारी बात होगी, सदन एज होता विंध्यन एज, विंध्यन पहाड़ी के साउथ में पड़ती है, ठीक है आपको पता ही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये होगी, और इसमें 7 हिल कौन कौन सी है सर, कंसिस्ट ऑफ द 7 हिल्स, विनायक हिल, बोरा वाली, भीम बेटिका, लाखाजोर,
आपका ईस्ट और वेस्ट दो हो गई है आपका झोंडरा, उसके बाद में मुनि बाबा की पहाड़ी, ठीक है ना। तो ये सारी आपकी है, ये झोंडरा है क्या है पता नहीं है, जो भी है कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं पता नहीं है। पाथ में ये है, रास्ता है, यहाँ से ले जाओ सर आपके, जाओ और जाओ सर भीतर। ये देखने मिलेगा भारत सरकार ने रेलिंग वेलिंग थोड़े बहुत लगा दिए, ठीक है ना। वो काफी अच्छी है, बड़ी है यार, इनसे करिए पुराने टाइम पे यार कैसा, यार कैसा कलर है कि आज भी जो है ना इतने सालों से आपका बना हुआ है सर, ठीक है ना। पीपल हंटिंग गैदरिंग ये बहुत सारी चीजें देखने को लिए, ठीक है। क्या एक्सप्लेन करने का भी टाइम नहीं सर। तो पैनोरमिक व्यू ये रहा, ऐसे करके है ये आपके, ठीक है। तो ये मिला आपका कौन सा वाला, पंचमढ़ी हिल पड़ोस में ही देखने को मिलेगी वहीं पे, ठीक है ना। तो ये वाला था सर। उससे पहले कि मैं एंड करूं, ये बताओ कि अभी ये अब लास्ट में क्यों रिवीजन करते हैं, केवल एक मिनट का, ठीक है ना। सुनो, एक या दो मिनट का, ठीक है ना। चलो लास्ट से फिर पहले पे जाएंगे या पहले से लेके चले। आज हमने जो कराया ना कौन सा 17वें नंबर का, वहीं से करेंगे। 17वें नंबर पे कौन सा करा सर हमने, 17 सिटानी कहां जा रही थी, 17 सुंदरवन, सुंदरवन जा रही थी, ठीक है। वहां क्या देखेंगे, बंगाल टाइगर, ठीक है ना। कब गई है सर ये, शामिल कब हुआ है, 87 में, ठीक है ना, 1987 में। ओके हो गया। डेल्टा है, मैंग्रोव सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और क्या है मैंग्रोव खासियत है, बंगाल टाइगर है, और क्या है, कहां पे सर ये, पश्चिम बंगाल में, बस इतना ध्यान रखना, बस खत्म, आगे आ जाओ। 18 एटीएम, एटीएम नंदा देवी, तो आपके जो वर्ड है ना सर वो नंबर उनका खेल है, आपको कोई किताब भी नहीं उठानी सर, नंबर से पहुंच जाओगे विरासत पे, फिर तो सारा खेल शुरू हो जाता है ना, हिंट है नंबर। एटीएम नंदा देवी, नंदा देवी सर कब है आपका एटीएम दिया, 88, ठीक है ना, 88 एटीएम दिए, यानी कहने का मतलब 1988 में आपका क्या नंदा देवी नेशनल पार्क बनता है, बाद में वैली ऑफ फ्लावर 2005 में जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। ये कहाँ है सर, चमोली डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे आपका, उत्तराखंड में। इसके अलावा कुछ नहीं याद करना, आगे बढ़ जाओ सर। बेटा नींद खूब काट रहे हो, पहुंचेंगे आपका कहाँ पे, सुन सुनो 19 पे नमकीन बोले तो सांची, ठीक है ना। सांची कहाँ है सर, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, 200 के नोट के पीछे है और मध्य प्रदेश में, ठीक है। अच्छा डेट बताओ आप, 89, एक बढ़ा दो, कूट दूंगा मैं, 88 के बाद में तुरंत 89 है, 89 है, 93 में दिल्ली वाले हैं दोनों, 93 में दिल्ली वाले हैं, ठीक है ना। ओके मध्य प्रदेश वाला तब 89 में, ठीक है ना। चलो 89 में हो गया, और कुछ है यहाँ पे काम का, सांची वाले में किन्होंने बनवाया, कैसे बनवाया, अशोक साहब ने बनवाया था, ठीक है, अशोक ने बनवाया, फिर उसके बाद में सुधार किया, उन्होंने पत्थर का वो करवाया, फिर उसके बाद में तोरण बनवाया सातवाहन ने, ठीक है ना। और कुछ है यहाँ पे जल्दी बताओ, नहीं है, चलो इतना ही होता है, आगे चलते हैं। आपका सर कहाँ पहुंचे आपका, अरे वो डेट वो बताओ, 20 टंकी यूआई टॉम, पहले नंबर पे जाया करो, फिर आपका टॉम उठाओ, फिर डेट उठा लो, कहा 93 है सर, 1993 वाई टॉम, किसने बनवाया, हाजी बेगम या बेगा बेगम ने बनाया था, दिल्ली में बना हुआ है, कहाँ पे सर, दीन पनाह सिटेडल के पास में, यानी पुराने किले के पास में, ठीक है ना। ओके डन, और कुछ है यहाँ पे सर, चारबाग शैली भी है, ठीक है, और भी, और क्या है, नहीं, इसके बाद में सर आ जाता है कहां पे आपका, मैरोली एरिया में चलते हैं आपका, कुतुब मीनार वाला, ठीक है ना, वो भी 1993 में है, नल आपका वो करके, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे तीन चार चीजें, कुतुब मीनार वाले इलाके, एक तो मीनार, दूसरे नंबर पे सर अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, तीसरे नंबर पे सर आपका कुबतुल इस्लाम मस्जिद, किसने बनवाई आपके, जिसने मीनार बनवाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में, ठीक है ना, 1193 में सर। अच्छा मीनार के बारे में एक बात रहेगी, कुतुब मीनार जो है ना सर, सबसे पहले किसने शुरू करी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरे नंबर पे उसको बढ़ाया किसने, इल्तुतमिश ने, ठीक है ना, उसके बाद में तीसरे नंबर पे जो लास्ट में फिनिश कराया, फिरोज शाह तुगलक। अच्छा सर आप बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मंजिल बनाई, ठीक है, उसके बाद में तीन मंजिल बनवाई किन्ने आपके, इल्तुतमिश ने, ठीक है ना, उसके बाद में तीन बनवाई, दो बनवाई थी इसने, दो बनवाई थी ना, दो बनवाई थी, तीन बनवाई थी, चलो बाद में देखेंगे, मैं आईली कंफ्यूज हो गया, ठीक है ना, दो बनवाई थी इसने, किसी को है खबर, इल्तुतमिश ने कितनी बनवाई थी, दो या तीन, तीन बनवाई थी, तीन बनवाई थी,
चलो तीन बनवाई, मंजिल कितनी होगी? चार। कहते हैं कि फिरोजा तुगलक ने फिर दो बनवाई, छह नहीं हुई। हुआ क्या था, उससे पहले बिजली गिर गई थी, समझ आ रही ना? अब सेटिंग बैठ गई, तो लास्ट में जो पांच मंजिल आया ना अभी, वो फिनिश किसने करवाई? फिरोजा तुगलक, ठीक है ना? बिजली गिरने के चक्कर में वो बिगड़ गई थी, तो आपका वो करके, हाँ कन्फर्म है, इल्तुतमिश ने आपने तीन बनवाई थी, ठीक है ना? वो दो बनवाई उसने, पांच की सेटिंग बैठ गई, ठीक है सर। ये हो गया कहाँ पे आपका, कुतुब मीनार वाले में, ठीक है, मीनार हो गई, कुबतुल इस्लाम मस्जिद हो गई, आयरन पिलर हो गया। सर ये किसने बनवाया आपका? नहीं बनवाया किसने? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त दो तीन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसको बोला जाता है, ठीक है ना? ओके सर ये बताओ दिल्ली में किसने स्टेबलाइज करा यहाँ लाके, अनंतपाल तोमर, ठीक है ना? 11वीं सेंचुरी में वो करा, फिर उसके बाद में तो आपको पता ही करनी, ठीक है? आगे चलते सर, ये हो गया 21-22 नान खाओगे आप माउंटेन रेलवे में? सर पहले शुरुआत करेंगे दार्जिलिंग से, इसका सुनो, दार्जिलिंग में आपका 1999 में, ठीक है? उसके बाद में बात करोगे, यहाँ पे दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन है, दूसरी बात घूम रेलवे स्टेशन है भारत का सबसे ऊंचा। आगे चलो नीलगिरी में, नीलगिरी वाली आपकी कहाँ से चलती है? कुन्नूर से आपका चलती है सर, उदग मंडलम ऊटी वाले इलाके में, ठीक है ना? और कुछ खास है? फिर चलेंगे सर 2005 में था, चलेंगे कालका शिमला 2008, ठीक है ना? ओके ठीक, और कुछ खास है? नहीं ठीक, पहुंच गए सर 23 नंबर पे, कड़वी सच्चाई समाज की, किसने? बोधगया में, ठीक है ना? बोधगया है, यहाँ पे बोधि टेंपल बनाया किसने आपके? अशोक साहब ने बनाया, बाद में आपके किसने थोड़ा बहुत कम करा, चलिए बताओ, अशोक के बाद में ये कौन थे? गुप्त थे ना, बाद में पांचवी छठवीं सेंचुरी में गुप्त गुप्त शासक के लोगों ने भी थोड़ा बहुत करवाया, ठीक है ना? अच्छा चलो हो गया, बोधि ट्री है आपका, ठीक इतना ही है, और कुछ है इसमें? 2002 में, ठीक है ना? अच्छा 2003 में कौन सा सर? भीमबेटका का। 2003 में कहाँ सर आपका? रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी है, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है, ठीक है? और आपके विंधन जो रेंज है उनकी आपकी क्या है? भीमबेटका उसमें जो है ना सात पहाड़ियों से एक है, ठीक है ना? बहुत सारी पहाड़ी उनमें से भीमबेटका जो भी इस विरासत है, ठीक है ना? और कुछ था भीमबेटका का? यहाँ पे क्या है सर? ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग्स है, रॉक आर्ट है आपका इंडिया में, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ गई? और कौन सा है सर? पुरापाषाण से लेकर के मध्यपाषाण युग का आपका क्या है? यहीं पे है मानव जीवन की आपका, ठीक है ना? उसको बताता है, ठीक है ना? पुराने भारत में सबसे पुराना जो स्थल है ना वो यही है सर, ठीक है ना? मानव जीवन के उसको लेकर के कैसे वहां पे आपका मानव का वो भी हुआ भी था, ठीक है ना? कुछ ट्रेसेस या कुछ साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य, वो यहीं पे है मानव के, ठीक है ना? तो ये सफर आपका तीसरा वाला, ठीक है ना? इसको करिएगा, ये बड़े काम की चीजें, बहुत सारे आपके सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं, फास्ट फॉरवर्ड वे में पढ़ लेना। इसमें सारे यहीं पे है, आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, ख्याल रखिएगा।